कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का आज आधा वनवास तो लगभग खत्म हो गया है। कांग्रेस इसे अपने तरह से जश्न भी मना रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी से जुड़े मोदी सरनेम केस की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला सुनाया है। इस फैसले से सत्ताधारी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। राहुल गांधी को आज मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने दोष सिद्धि तक उनकी सजा पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को आज मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने दोष सिद्धि तक उनकी सजा पर रोक लगाई है। इससे राहुल गांधी सहित पूरे कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है। वहीं कोर्ट के फैसले से भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका धीरे से लगा है। आइए जानते हैं कि कैसे राहुल गांधी के पक्ष में यह फैसला आया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के द्वारा दर्ज कराए गए केस पर फैसला करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई थी। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगाकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जिसके बाद कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें आज अंतरिम राहत मिल गई है और इसी केस के चलते राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इतनी ज्यादा सजा देने का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा देने की क्या जरूरत थी, अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी जाती तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाती। अधिकतम सजा से एक संसदीय क्षेत्र और उसके बाहर के लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ आए फैसले पर रोक लगा दी है। इससे राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों को एक तरह से संजीवनी बूटी मिल गई है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।